लो भाई और हमारी ट्रेन गई है और 4:43 है, तो वैसे 4:40 का टाइम है, 2-3 मिनट लेट है। वैसे ये ट्रेन 99% अपना टाइम से ही चलती है। लो भाई और 5 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है बस, और प्लेटफार्म नंबर 3 पे आई थी। लो भाई और कोसली से हमारा डिपार्ट हो रहा है 2 मिनट के स्टॉप के बाद। जय दोस्तों, दिस है सुनील सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक और न्यू वर्चुअल जर्नी पे, जो कि एक इंडियन रेलवे में जो है सिरसा एक्सप्रेस, जो कि सिरसा जाती है और न्यू दिल्ली तक जाती है, और जो हम आज जो बोर्ड करेंगे वो हांसी से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो होम टाउन है हांसी है। तो यार वो ये बोर्डिंग में कौन तो हिसार जाए, और जो ये ट्रेन है वो 4:15 पे हिसार से अपना चलती है और 4:45 के ऊपर आसपास हांसी पहुंच जाती है, और अभी 4:15 हो गया, तो आधा घंटा बचा हुआ है। तो जो हमारा यहाँ से रेलवे स्टेशन है 10 से 15 मिनट के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 15 मिनट और ज्यादा है हमारे पास स्पेयर। और जो आते हुए हमारी जो ट्रेन है वो है दिल्ली से बठिंडा तक की, जो कि वाया जींदखल होके जाती है, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है यहाँ पे हांसी और हिसार। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी जर्नी आप लोगों को देखी है कि पीछे भी देख सकते हो किसान एक्सप्रेस में, और उसमें तो मैं सोचा क्यों ना आज आपको एक और न्यू अलग रूट से ले जाया जाए। तो अलग रूट से मैंने ट्रेन तो टिकट तो बुक करवा दिया है, बट वही प्रॉब्लम है कि अभी उसमें वेटिंग दिखा रहा है, 85% चांसेस तो है कि वेटिंग 15-20 क्लियर हो जाएगी आई थिंक, अगर उसमें होगी तो ठीक है, वरना कुछ और ऑप्शन देखेंगे। बट ये वाली जो मेरी टिकट है ये तो कन्फर्म हो गई यहाँ से दिल्ली तक। चलो बाकी अभी पहले ये वाला सफर दिखाते हैं और बाकी दिल्ली पहुंच के देखते हैं कि नेक्स्ट सफर कहाँ का करेंगे। लो भाई और सुबह के बज गए 4:30 और हम पहुँच गए हैं हांसी के रेलवे स्टेशन पे। बस हमारी ट्रेन 10-15 मिनट में आने वाली है। अब तो बहुत जल्दी है, जंक्शन ही बंद रहेगा। चलो भाई देख सकते हैं पूरे 4:30 हो गए हैं, और जो ट्रेन आने का टाइम है हमारा 4:40 है। चलो अभी देखते हैं कितनी देर में आएगी, बाकी तो पूरा रेलवे स्टेशन सुनना ही पड़ेगा अभी। लो भाई अपना भाई आया हुआ था यहाँ पे आंटी जी के साथ, तो ये भी मिल गए, इन्होंने रेवाड़ी तक जाना है, मन्ना आगे तक जाना था, और भाई अपनी ट्रेन गई है। आ और 4:43 है, तो वैसे 4:40 का टाइम है, 2-3 मिनट लेट है। वैसे ये ट्रेन 99% अपना टाइम से ही चलती है, फोग वगैरह में तो थोड़ी लेट हो जाती थी। और जो हमारा कोच है वो है C1 AC चेयर कार, 5 नंबर सीट। चलो विंडो सीट मिली है, बाकी मैं विंडो सीट वगैरह लेके राजी होता नहीं हूँ ज़्यादा। और लोकोमोटिव देखते हैं कौन सा है, आवाज़ से तो लग रहा है WDP4B या 4D है, 45 हॉर्स पावर। दिल्ली एक ये वाली ये जाती है वाया रेवाड़ी गुड़गांव, और एक जाती है रोहतक और बहादुरगढ़ होके। और ये है WDP4, मैंने बोला था वही है। ये हमारा कोच AC कोच आगे गया भैया, तो आगे भागना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी ट्रेन यहाँ 2 मिनट का ही स्टॉप है, हमारा है C1, इसमें है भाई अपनी। वैसे भी खाली पड़ी है C2, तो बिल्कुल ही खाली है भाई, लोग सोए हुए जा रहे हैं। तो ये पहले ऐसे ही बुक होती है, पहले C1 में पूरी अपना जो होएगा उसके बाद C2 करते हैं। लो भाई और ये अभी हम पहुंच गए हैं, और ये हमारी ट्रेन का सिग्नल भी हो गया है,
ये खाली मिला भाई, मैं पहुंच गए क्योंकि ये बंद किए हुए थे और हमारी ट्रेन का भी सिग्नल हो गया है। बिल्कुल ऐसे लास्ट में था हमारा एसी कोच। लो भाई ट्रेन 2 मिनट के स्टॉप के बाद और अभी डिपार्ट कर रही है और 4:50 हो गया वैसे अभी। एक घंटे तक अपना जो है सनराइज हो जाएगा, फिर तो आपको सारा जो भी है दिखा पाऊंगा। भिवानी तक, भिवानी के आगे हो जाएगा, बस भिवानी तक आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिल्कुल ही अंधेरा, कुछ दिखता ही नहीं। ये तो थोड़ा स्टेशन वगैरह दिखाने पड़ते हैं, रात में ये प्रॉब्लम है क्योंकि वहीं पे लाइट होती है, वरना नॉर्मल खेतों में लाइट हो तो होती नहीं है, खुले में तो कुछ दिखता ही नहीं है भाई। जो लोकोमोटिव की मेरे को ना डीजल लोकोमोटिव की आवाज़ ही अच्छी लगती है, चाहे दोनों हो, चाहे एल्को है चाहे ये है, इसकी तो जो टर्बो की आवाज़ ऐसी आ जाती है जैसे जेट इंजन की आती है। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो हांसी से महम और रोहतक की जो मेन लाइन है वो बन रही है, वो हार्डली मुझे लगता है 5 या 6 मंथ में स्टार्ट हो जाएगी और फिर हांसी जंक्शन बन जाएगा। चलो बाकी चलते हैं अभी अपनी कोच के अंदर। हमारा है C15। अभी आपको इसका टॉयलेट वगैरह दिखाते हैं कैसा है। ठीक है, काफी क्लीन है। चलो भाई आज मेरे को बोलना पड़ेगा, हाँ थोड़ा मिरर वगैरह में प्रॉब्लम है। तो भाई और अभी हम पहुंचने वाले हैं भवानी खेड़ा और इसके बाद सीधा फिर भिवानी आएगा। ये भी एक छोटा सा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है और ज्यादा लोग भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे आपको। लो भाई और हमारी ट्रेन का भी सिग्नल हो गया है 2 मिनट के स्टॉप के बाद। ये यहाँ का स्टेशन काफी प्यारा बना हुआ है, छोटा स्टेशन है, बाकी काफी साफ सफाई है। चलो बाकी अभी आपको सीधा भिवानी मिलते हैं। तो भिवानी पहुंचने वाले
चार देसी राइडर है। चार देसी राइडर है। चार देसी राइडर सारे स्टेशन आप नहीं भाई के गल है मजबूरी है बड़े बड़े तो सापने और इस रूट पर कौन सा भाई इतना पाओ है ये पाओगे भाई व्लॉग में हम भी आएंगे क्या याद है भैया पांच मिनट रुके आराम से ले आइए ले तमने उतरना तो लेगा दर्जा कर वो बराड़े इसे पे ले आने ही पड़े ही बाजे का तारा कोने इतना लेगा जाओ तमने ये भाई गलते है देख लो थोड़े आराम से रहो भाई घने सियाने बनाने की जरूरत नहीं है समझिए हाँ बस नाना बस बताऊँ पहले ही हाँ नाना नाना ना बस अपना जो भी कोई ना फिर मैं तो कहना रहा लिया भाई जाके मैं तो हाँ बस फिर लो भाई और पाँच मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है बस और प्लेटफार्म नंबर 3 पे आई थी वही है या तो 1 पे आती या 3 पे आती है 2 पे नहीं आती भाई और अभी हम पहुंच चुके हैं तरकी दादरी और यहाँ पे हमारा 2 मिनट का स्टॉप है 2 ही मिनट लेट अभी और इसके बाद रुकेगी सीधा कोसली झारली और फिर सीधा रेवाड़ी और इस रूट पे जो सबसे बड़ा स्टेशन है दिल्ली से पहले वो रेवाड़ी है और जो रेवाड़ी हमारा लोकोमोटिव चेंज होएगा तो 20 से 25 मिनट उधर लगेंगे तो बाकी तो वैसे अभी बस चलते हैं और आपको दिखाते हैं डिपार्चर लो भाई हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है हमें सामने येलो और ये ग्रीन लाइट दिखा दी हमारे लोकोमोटिव पायलट ने ये भी कोई ज्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है 2 ही प्लेटफार्म है हाँ मैक्सिमम जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो तो रुक जाती है बट जो सुपर फास्ट है जो रात वाली वो 2-3 स्किप करती है सीधा ही भाई हो जा सनराइज कुछ नहीं दिख रहा भाई मैं सोच रहा था कि भिवानी के बाद हो जाएगा और आप लोगों को दिखा पाऊंगा बट अभी भी नहीं हुआ अभी देखते हैं कोसली तक हो जाए विंटर्स में यार यही प्रॉब्लम है
हमारी ट्रेन की एक बात तो है, जो ये पुराने वाले कोचिस थे, जो इनकी सीट है तो काफ़ी कंफर्टेबल अब, बट थोड़ी सीट वगैरह में अभी प्रॉब्लम हो गई है, तो बाकी वैसे देखा जाए तो बहुत कंफर्टेबल है। चलो भैया, और ये अभी सनराइज भी हो गया है और ये अभी हम पहुंच रहे हैं कोसली। भिवानी से लेके और रेवाड़ी तक डबल ट्रैक है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती गाड़ी वाड़ी की। हाँ, हिसार से आगे बठिंडा तक सिंगल लाइन है। बस इसके पास ही थी हमारी जो ट्रेन है वो रेवाड़ी रुकेगी, यहाँ से हार्डली 30 किलोमीटर है तो आधा घंटा ही लगता है। से आगे जो भी रेवाड़ी वगैरह या गुड़गांव जॉब करते हैं तो रेगुलर इसी ट्रेन में आते जाते हैं। और ये अभी आप देख पा रहे हैं आगे फुल भीड़। गंदे वाली भीड़ हो रही है यहाँ। कोसली से हमारा डिपार्ट हो रहा है 2 मिनट के स्टॉप के बाद। ये खड़ी है कोई मालगाड़ी और रेवाड़ी जाके तो ये डबल स्टैक कंटेनर बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, जो ये वायर वगैरह है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक इंडिया ये कैसी कंट्री है जहाँ पे डबल स्टैक कंटेनर, मतलब एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर फुल ऊपर तक, और जो अपना ऊपर वायर वगैरह वो भी फुल ऊपर तक है भाई। अरे वाड़ी में आपको दिखाऊंगा। छोटा ही स्टेशन है, दो ही प्लेटफॉर्म का, बाकी इस रूट पे तो बहुत आया हूं भाई मैं। और कभी भी अगर आप वीडियो बनाओ तो बहुत ध्यान रखना होता है, जैसे कभी आपने बोल देखा है सिर्फ स्नैचिंग की दिक्कत नहीं होती फोन की, आपका ये भी रहता है कि जो ये पोल वगैरह होते हैं इनसे भी आप टकरा सकते हैं भाई। वैसे एक बात है, शुरू में तो मुझे लग रहा था कि नॉर्मल पहना हूं मैं, इनर वगैरह नहीं पहन रहा था, लेकिन भाई बहुत गंदे वाली ठंड है रात को और सुबह तक तो है ही। हाँ, दिन में 30-35 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि हम ज़्यादा दिन में ही निकलते हैं घर से तो पता नहीं चलता, लेकिन भाई बहुत ठंड है। और आपका भाई देख लो आपके लिए कितनी मेहनत करता है यार, बिल्कुल ऐसे हाथ गंदे वाले ऐसे जम जाते हैं, बिल्कुल ऐसे फ़ोन भी ऐसे होता है कि अभी गिरेगा अभी गिरेगा, क्योंकि ठंड की वजह से वो पावर ख़त्म हो जाती है हाथ की। लो भाई हो रही है हमारे, Thank you.
भाई अपने हरियाणा के हरे भरे खेत। जैसे जैसे हम रेवाड़ी से आगे निकले गए, फिर जो जमीन है वो कम उपजाऊ रह जाती है अलवर की तरफ जाते हुए या महेंद्रगढ़ नारनौल, यहाँ तक तो बहुत उपजाऊ है। भाई और आप देख लो सनराइज हो चुका है और अभी हम रेवाड़ी पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे कम से कम हमारी ट्रेन 45-50 मिनट्स बिफोर पहुंच चुकी है, तो अभी एक घंटा लग जाएगा क्योंकि हमारे वैसे यहाँ पे लोकोमोटिव ही चेंज होता है, रिवर्सल होता है, बट वही है भाई 15 मिनट लगते हैं उसमें, आधा पौना घंटा हमारा ज्यादा लगेगा। और अभी हमारी ट्रेन मर्ज हो जाएगी जो दिल्ली से जयपुर अहमदाबाद वाली मेन लाइन है उस पर, और हमको दिल्ली की तरफ उसी पे जाना है, तो बस लोकोमोटिव रिवर्स होएगा। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, रिवर्सल तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि हमारी ट्रेन के बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरफ होएगा। आ चुका है जो दिल्ली की तरफ से लाइन आती है और रोहतक की तरफ भी, जज्जर रोहतक की भी उसी आगे जाके लेफ्ट हो जाते हैं, और ये लाइन है अभी हमको वापस इसी पे जाना है। और बाकी आप सामने देख रहे हैं जब भी न्यू लाइन कोई बनाई जाती है तो ये कंक्रीट के जो ब्लॉक है इनके ऊपर ही पटरियां रखी जाती है। रेवाड़ी बहुत बड़ा जंक्शन है भाई, पहले भी और आज भी। देखते हैं हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगी। और आप ये वायर देख सकते हैं ऊपर कितनी ऊंची है, इन्हीं की बात कर रहा था। देखते आगे कोई मालगाड़ी खड़ी हुई तो आपको दिखाऊंगा मैं। डबल स्टे कंटेनर है, बहुत ऊंची ऊंची है भाई ये। अभी देखते हैं कि यहाँ कौन से प्लेटफॉर्म नंबर या 7 पे जाएगी। यहां पे काफी सारे अलग अलग सेक्शन आप देख ही पा रहे हैं, कम से कम 13 से 14 तो प्लेटफार्म ही है और फिर अलग से जो मेन लाइन है वो भी है इसी पे।
ठीक है भाइयों, और अभी रेवाड़ी तक का सफ़र होता है। वैसे मेरा पूरा मन था कि मैं इस पूरी वीडियो में पूरा आपको दिल्ली तक का सफ़र दिखाऊं, बट अभी आप देख ही पा रहे हैं कि 25 मिनट होगी, तो मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह बोलते हैं कि ये भी ज़्यादा लंबी हो जाती है 20-25 मिनट की। तो यार मैं चाहूँ तो इसमें कम से कम पूरी अगर बठिंडा से सिरसा तक दिल्ली तक का भी सफ़र कर दूँ, बट उसमें क्या होएगा, फिर जो भी हर स्टेशन की डिटेल है या जो भी सफ़र है रास्ते का, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अभी भी काफ़ी मैंने एडिटिंग की है, अगर सोचो कि अगर मैं बिल्कुल ही इसको बिल्कुल ऐसे कम कर दूं वीडियो, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और जो नेक्स्ट पार्ट है रेवाड़ी से दिल्ली तक का, तो वो आपको कल देखने को मिलेगा हमारी जो भी है ये सिरसा एक्सप्रेस का। तो फिर मैंने यही सोचा कि बस इस ट्रेन को अभी इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं सीधा कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे भाइयों, और प्लीज़ आपके भाई को सपोर्ट करो यार। और आपका भाई सिर्फ इंडियन रेलवे का ही नहीं दिखाता, जो अपनी हरियाणा रोडवेज बस वगैरह की जर्नी है वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी जो बाइक वगैरह राइड वगैरह वो तो नॉर्मल चलती रहती है। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, स्पेशल अपने हरियाणा वाले भाइयों से। तो 7 बजे पहुंची है और 7:45 पे यहाँ पे डिपार्चर टाइम है, तो 45 मिनट्स है।